ये जो आप कह रहे हो कि हमें कोई ऐसे विपद आ जाएगा या अटैक करेगा या सर, तो इसलिए हम लोग अपने को प्रिपेयर रखना है, इसको बोलते हैं फीलिंग्स ऑफ ऑन सिक्योरिटीनेस। आप अपने को सिक्योर नहीं फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक अनसिक्योरिटी भाव तो है, तब जीवन में अनसिक्योरिटीनेस आएगा स्वाभाविक। और अगर आपके जीवन में ये आया तो ये बड़ा समस्यापूर्ण विषय है। पहला, आपके मन में ये आना अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है कि मुझे कोई मारेगा, मुझे कोई पीटेगा, मुझे कोई कुछ कर देगा तो मैं अपना सुरक्षा के लिए ऐसा करूंगा। तो सबसे पहला ये जो ढूंढना बड़ा जरूरी है, ये भावना आया कहां से? पहला तो स्व उत्पादक है क्या, मैंने खुद उत्पादन किया क्या? मैं जो अनसिक्योरिटी भाव को, आप लोग थोड़ा इधर आ जाओ, आप लोग इधर आ जाओ, क्या मैंने इसको खुद उत्पन्न किया? आप समझे? तो एक बड़ा बीमारीपूर्ण विषय हो जाएगा ये। पॉज कर लो थोड़ा सा। किसी का और का मनोभाव ना आपके ऊपर कैसे इफेक्ट डालता है, कभी चिंता की हो? ये कहानी से आपका पूरा बात समझ में आ जाएगा। एक बहुत बड़ा राजा थे, उनका बहुत बड़ा अट्टालिका या ऐसे समझो राजवास या ऐसे समझो कोई बहुत बड़ा राजघर, देखिए वो ना राजघर क्या बोलते हैं उसको, महल, हाँ महल था। और उस राज द्वार के सामने एक बहुत बड़ा एनएच गया हुआ था, राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग, और उसके पास एक लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला था। राजा जी जब भी वो फुर्सत पाते हैं तो उनके महल के ऊपर मटल गश्ती करते हैं, चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं, अपने अपना फ्री समय हवा खाते रहते हैं। उनके अंदर एक वो जो लकड़हारा था, गरीब छोटा सा कुटिया में रहता था, पता नहीं उनको देखने से उनके अंदर बड़ा भयंकर क्रोध आता था। क्या आता था? क्रोध आता था। तो एक दिन चिंतन किए कि कई दिनों से इसको देखते ही मुझे क्रोध आ रहा है, इसको मारूं, पीटूं, काटूं, उसे फांसी दे दूं, ऐसा मन में भावनाएं आ रहे हैं। राजा जी बड़ा परेशान हुए, बोले मैं महल के ऊपर खड़ा हूं और हजारों लोग इस रास्ते पे जा रहे हैं और बहुत से लोगों के घर हैं, लेकिन इसको नजर पड़ते ही मेरे अंदर ऐसा भावना क्यों आ रहा है? बड़ा चिंतित हो गए, विचलित हो गए, बहुत लोगों को पूछे, कोई जवाब दे नहीं पाया। अपने मंत्रिमंडल को पूरा बुलाए, एक मंत्री बोल रहा है कि महाराज ये आपका मनोभावना है, साइकेटिक प्रॉब्लम, साइकोसोमाटिक डिजॉर्डर होगा, आपके मन में ऐसा भावना आ रहा है। फिर भी उनको सेटिस्फाई नहीं लगा। दूसरा मंत्री को पूछे, बोले आप बताओ। बोले महाराज कोई तंत्र मंत्र कर दिया होगा आपके प्रति, कोई मारण, उच्चाटन, मोहन, वशीकरण हो गया होगा, इसलिए लग रहा है। महाराज नॉट सेटिस्फाइड। तीसरा मंत्री को बुलाया, तीसरा मंत्री बोल रहा है अरे महाराज ऐसा है आपका अभी शनि दशा चल रहा है, इसलिए शायद आपको मन में भ्रम भावना उत्पन्न हो रहा है, और शनि में राहु बुध अंतर दशा चल रहा है आपका, तो थोड़ा बुद्धि भ्रष्ट है, ठीक है, ऐसी लग रहा है। महाराजा इज नॉट सेटिस्फाइड। देन वो महामंत्री को बुलाए, महामंत्री बोला महाराज कुछ तो है, मुझे कुछ समय दीजिए। दूसरा दिन महामंत्री अपना रूप, अपने वेश को परिवर्तन करके उस गरीब कुटिया में जाता है, जाके देखता है, और रात को बोला मैं आगंतुक हूं, मुझे थोड़ा जगा दो, रात को मैं सुबह चला जाऊंगा। वो जो लकड़हारा था, लकड़ी काटने वाला, जंगल से लकड़ी काट के बेचने वाला, वो बोल रहा है ऐसा है प्रभु अतिथि हो आप, मैं तो गरीब कुटिया, छोटा सा घर है मेरा, और एक ही रूम है, दो रूम है, और आपको बरंडा में सोना पड़ेगा। बोला कोई बात नहीं, सो तो जाएंगे, लेकिन उधर एक रूम ताला क्यों मार के रखे हो? बोले यहाँ तो मेरा भविष्यत कैद है। बोला क्या हो गया? बोले यहाँ चंदन का लकड़ी है। बोले चंदन का लकड़ी है तो क्या हो गया?
उस समय चंदन का लकड़ी का उतना ज्यादा मूल्य कुछ नहीं था, ग्रामीण जंगली क्षेत्र था। बोला मैं जब भी जंगल जाता हूँ लकड़ी काटता हूँ बेचने के लिए, और हाथ में जितना मिला वो चंदन का लकड़ी उठा के लाता हूँ, इस रूम में भर के रख देता हूँ। बोला क्यों रख देते हो? बोला एक ना एक दिन तो राजा मरेगा ना, राजा जब मरेगा तो इन चंदन का लकड़ी को बेचूंगा, बहुत पैसा कमा लूंगा, क्योंकि उस समय राजा मरेगा लोग जंगल जाएंगे और लकड़ी लेके आएंगे, तब तक मैं बेच दूंगा, बहुत सा पैसा मिल जाएगा। मंत्री को रात को नींद नहीं हुआ, सुबह उठते ही राजा के पास पहुंच गया। राजा जी को बोला कि महाराज आपका क्रोध होना और उसको मारना पीटना और उसको फांसी दे देंगे जो आप सोच रहे हो, यह स्वाभाविक बात है, अस्वाभाविक नहीं है। उसका सोच आपको इफेक्ट डाला, उसका चिंतन, क्योंकि वो हर दिन सुबह उठ के देखता है कि राजा कितना बूढ़ा हुआ, मरेगा कि नहीं मरेगा, कब मरेगा, बीमार पड़ा कि नहीं पड़ा, कब मरेगा जो हम इतना सारा बेचेंगे तो पैसा कमाएंगे। और वो धीरे धीरे संचय करता गया लकड़ियों को, जिसके लिए आपको देखते ही आपको, आप उसे जब देखते हो तो आपके मन में ये विचार आ गया। महाराजा का होश आ गया, महाराजा दौड़े उसके पास और बोले यार यार मेरे मरने का क्यों इंतजार कर रहे हो, बोलो कितना पैसा चाहिए। कितना होगा ये? 40-45 हजार, 50 हजार का लकड़ी होगा, और कितना हो सकता है उस समय का रेट में। तो बोला ले। राजा सोचे कि शायद इसको पैसा दे देंगे तो सुधर जाएगा और मेरा मरने का इंतजार नहीं करेगा, गरीब आदमी है, और फिर अपना दूसरा कुछ कमाएगा, रोजी रोटी करेगा। मजा ये हुआ कि कुत्ता का पूंछ लक्कड़हारा क्या बोला, अरे यार इतना सोचते ही अगर 40-50 हजार रुपया मिल गया। राजा सोचा सुधर जाएगा, राजा सोचा कि चलो अकल आ जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, लेकिन जिसका थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस जैसा है वो कभी सुधरेगा नहीं सुधरेगा। वो एक ठोस उस पैसा से गाड़ी खरीद लिया, अब जंगल से गाड़ी में चंदन का लकड़ी ढोया। बोला अरे यार राजा का पूरा परिवार खानदान मरेगा ना, तब ज्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है। देन राजा जी कुछ दिन के बाद देखे यार इसको पैसा देने के बावजूद भी, इसको सहायता करने के बावजूद भी, इसको सांत्वना देने के बावजूद भी, इसको विश्वास दिलाने के बावजूद भी, ये आदमी को देख के मेरे अंदर फिर उससे ज्यादा ऐसे भाव आ रहा है, ज्यादा क्रोध, मारना पीटना और इसको हत्या करने का भाव आ रहा है, इसको फांसी देने का भाव आ रहा है। इसको देखते ही मेरे अंदर क्रोध तो और भयंकर बढ़ रहा है घटने के जगह में। फिर महामंत्री को भेजा गया, महामंत्री आके रिपोर्ट दिया ऐसा ऐसा बात है। राजा जी उसके ऊपर दया किए, पहला इच्छा था कि इसका गर्दन काट दिया जाए, लेकिन महाराजा है, दंडिवार शक्ति जहार थाई क्षमा करो इसे ही, तो जिसके पास दंड देने का क्षमता रहता है वही तो क्षमा करता है। तो महाराज बोले इसका गरुड़ उठा के इसको फेंकाओ उधर, राज्य से बाहर दे दो, उधर वो लकड़ी काट के रखेगा। मैं कहने का मतलब समझ रहे हो? हम फॉल्ट चारों तरफ ढूंढते रहते हैं। आप चाहते हो दूसरे के अंदर, हमारे हमारे लिए दूसरे के हृदय में हमारे प्रति करुणा हो, प्रेम हो, सद्भावना हो, लेकिन किसी और का नेगेटिव थॉट आपके अंदर इतना दूर के हमें होने के बावजूद वो लकड़हारा से के पास, वो महल के पास तो नहीं रहता होगा, दूर में रहता होगा, उसका थॉट प्रोसेस इसको हिट किया और उसके अंदर ये भावना शुरू कर दिया। यानी एक आदमी का फीलिंग ऑफ अनसिक्योरिटीनेस का कॉज क्या हो सकता है, यू अंडरस्टैंड? अभी आप बोलोगे कि यार परिवर्तन किया जा सकता था, लेकिन परिवर्तन क्या होगा, उल्टा और बढ़ गया। इसलिए डोंट वेट फॉर अदर्स थिंकिंग प्रोसेस, राइट थिंग, यू मेक योर सेल्फ सो स्ट्रांग, इट इज गुड। आपका विचार को मैं सम्मान देता हूं, आप बहुत सही बोल रहे हो, और ये जरूरी है, अगर आया है तो अपने को मजबूत करो, अपने को स्ट्रांग करो, क्योंकि बिना मतलब का कोई थॉट कभी आता नहीं। और हमेशा सिक्स, हर व्यक्ति के अंदर सिक्स्थ सेंस है, उस आपके बात से वो भांप लेगा कि आपका टारगेट क्या है, आपका आपका मूवमेंट क्या होने वाला है, आप किस दिशा धारा पे जा रहे हो और आप क्या करने वाले हो, क्योंकि हर भूचाल के पीछे पूर्व पूर्व कुछ पूर्वाभास होते हैं, बिना पूर्वाभास का कोई भी कभी भी भूचाल नहीं होता,
कोई भी भूकंप नहीं होता, कोई भी बहुत बड़ा जो जिसको आप कहते हो बाढ़ आना या किसी प्रकार के दैवी दुर्विपाक होना, हर चीज का तो पूर्वाभास होता है। हाँ, आपका नॉलेज नहीं है अलग बात है। जैसे चाइना में भूकंप आया तो उससे पहले कुत्ता लोग बहुत डिस्टर्ब हुए, तो उस समय लोग समझ गए, फिर वो जगह छोड़ दी। ऐसे कई सारे प्रकृति के चींटियों को देख के और बहुत सारे चीजों को देख के ये पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो इसलिए अपने को तैयारी रख देना चाहिए उसके अंदर कंडीशन के लिए। और किसी भी आपके दिमाग में जितना आ रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं महामाई जगदम्बिके हर आदमी को अपना शक्ति दिया है उस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए, तो आपको उसके लिए एक सुपर प्रिपरेशन का जरूरी है। ऐसे कदाचित कभी भी किसी के मन में आप वो सोचो मेरे लिए अच्छा सोच रहा है और मेरे लिए मेरे अंदर उसके प्रति क्रोध आ रहे हैं, मारने का पीटने का भाव आ रहा है, कभी हो नहीं सकता। वो अपना एक्शन दिखा रहा है तब मेरे अंदर वो रिएक्शन आ रहा है, बिना मतलब का नहीं आएगा। और दूसरा, राजा के अंदर उत्पन्न हुआ कहां से? वो लकड़हारा को देख के। अब ऐसे भी कह सकते हो कि राजा के अंदर हुआ बोल के लकड़ी लकड़हारा के हुआ, क्या ये ठीक हो सकता है तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो? तर्क करने वालों के लिए तो कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि उन्हें तो विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि राजा ने उसको बहुत विश्वास दिलाने का कोशिश किया। लेकिन जो अविश्वासी आदमी है उसको जितना ज्यादा विश्वास दिलाओगे उतना क्या करेगा, क्या करेगा, उतना ज्यादा अविश्वास करेगा। और जीवन का नियम है कि जो डाउटी आदमी है, जो अविश्वासी आदमी है, उसको तो हर चीज में अविश्वास करना है। और प्रकृति का नियम है, तुम अविश्वास करते हो ना तो तुम्हारे सामने ऐसे घटना ला के दे देंगे कि तुम्हारा अविश्वास उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। नहीं भी हुआ होगा, अच्छा तुम अपने खुद मुंह में कहते हो कि डाउट इज अ फील्ड ऑफ ग्रे, और खुद डाउट करते हो किसके प्रति? अपने प्रति, दूसरे के प्रति नहीं, क्योंकि तुम देखा ही नहीं, तुम्हारे पास घटना घटा नहीं है। आप अपने जीवन पे वो फील्ड को क्रिएट करके रख दिए हो, फिर तुम्हारे सामने कोई फूल चंदन दे के तुम्हें अगर सजा के तुम्हें पूर्ण विश्वास भी दे दे, उसके लिए वो सब कुछ भी कर दे, तुम्हारा विश्वास नहीं जीत सकता। तो समाधान एक ही है, मेक योर सेल्फ सो स्ट्रांग, बी प्रिपेयर फॉर ऑल द कंडीशंस, और दुश्मन से 10 कदम आगे चलो, एक कदम नहीं 10 कदम आगे चलो, जरूरी है। वो तुम अपना प्रेडिक्शन बना लो कि क्या 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 स्टेप चल सकता है और उसका बाय प्रोडक्ट तुम क्या दे सकते हो। फिर तुम्हारे अंदर ये जो फीलिंग ऑफ अनसिक्योरिटीनेस है वो खत्म हो जाएगा। और कराटे में एक ही बात हमेशा कहा गया, अलॉट एवर अटैक, ए फॉर अलॉट एवर जागृत रहो एंड ऑलवेज रेडी फॉर अटैक। थोड़ा हुआ अटैक, क्योंकि डिफेंस कराटे में दो फाइटिंग है, डिफेंस फाइटिंग है और एक ऑफेंस फाइटिंग है। तो मेरा गुरु हमेशा कहा कि ऑफेंस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस, मारे उससे पहले ठोको। लेकिन कुछ फील्ड में डिफेंस इज बेस्ट, मैं जीवन में सबसे बड़ा डिफेंसर रहा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कहीं मौका मिले और अटैक नहीं किया। और मैं पूरा इंतजार करता हूं, सही टाइम पे सही जगह पे सही पंच मारना, सही निर्णय लेना। ऐसा नहीं कि मेरे पास है तो कभी भी ठोक दिया, शक्ति है तो कभी भी कर दिया, नहीं। सिंपल, तुम देखो एक ऐसा चीज है ना, 1 मिनट के अंदर तुम 60 आदमी को खत्म कर सकते, लेकिन वो जो स्पीड, जो पावर और जो फोकस, क्योंकि एक गलत डिसीजन आदमी को आपका जिंदगी बर्बाद कर सकता है। साइलेंस, वेट, वॉच, ओके, थिंकिंग प्रोसेस को ठीक करो पहले। थैंक यू, जय गो माता, जय गो।